पानीपत में एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। आरोप लगाए गए हैं गोरक्षकों पर कि उनके द्वारा मीट बेचने वालों से मंथली ली जाती है। सबूत भी दिए गए हैं, जिसके बाद एक को गिरफ्तार भी किया गया है, जबकि कई पर नाम के साथ एफआईआर भी दर्ज की गई। मामला आपको बता दें कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। दरअसल 18 सितंबर को पानीपत जिले के सनोली थाना क्षेत्र के छाजपुर खुर्द चौक पर गाड़ी रोककर गोरक्षकों द्वारा हंगामा किया गया था। इतना ही नहीं, गाड़ी में गोमांस बताकर उनके साथ मारपीट की गई और गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। हालांकि सैंपल में ये गोमांस नहीं पाया गया। सबसे पहले आपको उस दिन हुए हंगामे की वीडियो दिखाते हैं। देखिए कैसे सबसे पहले गोरक्षकों द्वारा गाड़ी को रुकवाया जाता है, उसके बाद गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, पहिए में सुआ मारा जा रहा है, जिसके बाद मीट गाड़ी के क्लीनर की शिकायत पर गोरक्षा दल के 9 सदस्यों पर आईपीसी की 9 बड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाता है। पुलिस को दी शिकायत में कहा गया है कि 18 सितंबर की सुबह 8 बजे केराना से बेलोरो पिकअप में भैंस का मीट भरकर इनाम पानीपत सेक्टर 11 हुड्डा गोसली मोहल्ला निवासी महरोज के यहां आ रहे थे। गाड़ी महराज उर्फ निन्ना निवासी नई बस्ती कराना चला रहा था। सुबह करीब 8:45 पर जब वे गाड़ी को लेकर छाजपुर खुर्द चौक पर पहुंचे, तो वहां 3 बाइकों पर सवार कुछ अज्ञात युवक आधम के सभी लाठी डंडों से लैस थे। बाइक अड़ाकर उनसे गाड़ी रुकवाई गई और ऊंची ऊंची आवाज लगाने लगे कि गाड़ी में गाय का मीट है, जबकि उन्हें मौके पर बताने की कोशिश की गई कि ये भैंस का मीट है और इसका बिल भी उनके पास है। इनाम का कहना है कि उन्होंने इसकी एक भी ना सुनी और उसे गाड़ी से नीचे उतार दिया। इसके बाद लाठी और डंडों से पीटना शुरू कर दिया। उनमें से एक व्यक्ति का नाम सत्यनारायण पंडित था, जिसने ड्राइवर की जेब से जबरदस्ती 4800 रुपए निकाल लिए। गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। ये सब देखकर ड्राइवर महराज उर्फ निन्ना मौके से भाग गया था। आरोप है कि युवकों ने कहा कि अगर तुम्हें व तुम्हारे मालिक महरोज को मीट का काम करना है तो हमें मंथली देनी होगी। आरोपियों ने उसे मारने की भी धमकी दी। धमकी देने वालों में सतबीर निवासी फरीदपुर, मोहित निवासी बबैल, प्रिंस निवासी निमरी, अर्जुन पंडित निवासी गोंधार करनाल, सागर निवासी बबैल, नितिन निवासी छाजपुर खुर्द, नरेंद्र निवासी छाजपुर खुर्द थे। आरोप है कि सभी खुद को गोरक्षक बता रहे थे। खुद को गोरक्षक प्रधान बताने वाला सुभाष निवासी छाजूगढ़ी उनसे पहले भी मीट का काम रुकवाने के लिए नगद रुपए ले चुका है। कई बार मालिक ने खाते में ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफर किए हैं। वहीं इस मामले में मीट बेचने वाले एसपी के पास भी गए और एसपी के सामने सबूत दिखाकर आरोप लगाए गए कि गोरक्षकों द्वारा उनसे मंथली ली जाती है, जिसके बाद 9 गोरक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोप ये भी है कि सुभाष 30,000 की मंथली लेता था और सिकंदर 7,000 की मंथली लेता था। इतना ही नहीं, वॉइस ऑफ पानीपत के पास एक ऑडियो भी है, जिसमें सुभाष की आवाज है। सबसे पहले आपको ऑडियो सुनवाते हैं। अरे कहो आप, मैं 2 मिनट में आ गया वहाँ। अच्छा, अगर आप 2 मिनट में आ जाओ, मैं तो यहाँ से कहा हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में घराली भर्ती है मेरी। हेलो हाँ जी, क्या दे रखे हैं पेपर में? हाँ जी, तुम्हारे क्या दे रखे हैं पेपर में? हेलो, हाँ क्या दे रखे हैं पेपर में? किसने? तुमने? कौन बोल रहा? हेलो, हाँ सुभाष बोल रहा। हाँ जी बताओ, है तुम्हारा? हेलो, हाँ हाँ जी,
यहाँ से दूसरा से कर लो। मैं अखबार में क्या छपवा रहा है, क्या नकी बदनाम कर रहा है? कौन तुम्हें बदनाम क्या बात है की बदनाम क्या बात है की नहीं हमने क्या नाम का बदनाम किया? पैसे दिखाओगे और गाड़ी पकड़ोगे, मीठी फिकवाओगे, सारे काम करोगे। हमने तेरी गाड़ी पकड़ ली, हमने तेरे पीछे खा लिए। सौ बार मतलब 100 बार पैसे लिए या 100 बार तुमने मतलब बुरा रखे बोले कच्चू बच्चे का? अच्छा मतलब कितने कच्चू बच्चे हैं? गाड़ी पकड़वाओगे तुम तो दूसरों से आराम से बैठे परसों मतलब 4 लाख का नुकसान करा। वही इस मामले में सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि सुभाष फरार बताया जा रहा है। बता दें कि सुभाष को बेसहारा पशुओं को पकड़ने का टेंडर है, पुलिस की नजर में वो फरार है जबकि वो रात को गाय पकड़ता है। वही इस मामले में वैसे पानीपत द्वारा 40 सालों से मीट का कारोबार कर रहे पप्पू के बेटे महरोज से बातचीत की गई। आपको हम वो एक्सक्लूसिव बातचीत भी सुनवाते हैं। पूरी वीडियो आप लोगों ने देखी, इस वीडियो में सुभाष को पुलिस ढूंढ रही है लेकिन सुभाष कहाँ है आप लोग देख रहे हैं। सुभाष पानीपत में ही है और पानीपत पुलिस उसे ढूंढ रही है। पिछले दिनों जो सनोली रोड पे मामला हुआ वो आप लोगों ने देखा, एसपी पानीपत ने तुरंत संज्ञान लेते हुए गोरक्षक पर ही मामला दर्ज कर दिया। अपने आप को ये लोग गोरक्षक बताते हैं। इसमें एक सिकंदर नाम का युवक जो है गिरफ्तार हुआ है और आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि सिकंदर के पास ऑनलाइन पेमेंट जो है ये मीट वाले जमा करवाते हैं, मंथली जो है इनकी चाहती है। और सुभाष के ऊपर आरोप ये लगे हैं कि 30,000 रुपये महीना ये इनसे वसूलता है। सुभाष हालांकि उस वीडियो में नहीं दिख रहा लेकिन जो ऑडियो सामने आई है, जो ऑडियो आप लोगों ने सुनी, उस ऑडियो में हालांकि हम लोग पुष्टि नहीं कर रहे लेकिन ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सुभाष की ही ऑडियो है और सुभाष पैसे लेने के लिए पानीपत के मिठन स्वीट्स यानी कि सेक्टर 11-12 में पहुँचा था। अब इस सारे मामले को लेकर पुलिस जो है सुभाष को ढूंढ रही है लेकिन सुभाष नगर निगम का ठेकेदार भी है जो अभी पिछले दिनों गायें पकड़ने का और जो दूसरे जो पशु है उसको पकड़ने का जो ठेका दे रखा था वो इसी सुभाष को दिया गया था। गड़ी छाजू का ये रहने वाला है। काम कैसे हैं उसके वो आप लोगों ने देखे होंगे। मेरे साथ पानीपत में पिछले 40 सालों से मीट का काम कर रहे पप्पू के बेटे महरोज हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि ये मामला जो सारा खेल कैसे चलता है और इनको मंथलियाँ क्यों देनी पड़ती हैं। एक बात बताओ कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? ये लगभग जी 35-40 साल हो गए। 35-40 सालों से मंथलियाँ कब की चल रही है आपकी? ये मंथली जी लगभग 8-9 साल से 8-9 सालों से कौन ले रहे हैं? ये ले रहा है जी सुहास। ये क्या करता है जी, ये गाड़ी पकड़ता है, गाड़ी पकड़ने के बाद कहता है गाय का मीट है, लड़कों से पकड़वाता है, देवा नाम का लड़का है उससे पकड़वाता है, वैद्य नाम का लोने का बोल रहा है गाय का मीट है। मौके पर पुलिस आ जाती है, पुलिस डॉक्टर को बुला लेती है, डॉक्टर इतने मीट चेक करते हैं, डॉक्टर कहता है भैंस का मीट है और ये ख़राब हो चुका, खाने लायक नहीं है, उसमें हमारा 2-3 लाख रुपया नुकसान हो जाता है जी। और नुकसान होने के बाद हम सुभाष से कहते हैं भाई तू क्या चाहोगे? कहना जी मुझे पैसे देने पड़ेगा, मुझे मंथली देनी पड़ेगी, जबकि मेरे पास उसके मैंने ऑनलाइन बैंक में जमा कर रखे हैं, मेरी कॉल डिटेल भी है उस पर। 17 तारीख में वो मेरे पास आया, उनने फ़ोन किया, कहना भाई पैसे
मैंने उसे 3000 रुपये छोटा भाई मेरे से जाकर दिया, वो बोल रहा पैसे ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, मुझे और भी देने पड़ते हैं, लड़ को खर्चा पानी देना पड़ता है, लड़के नहीं मान रहे, इसमें कुछ नहीं होने वाला। मैं पहले 30 देता था, मैंने उसके 20,000 रुपये कर दिए थे, वो बोला मंथली बढ़ानी पड़ेगी, मगर मेरा काम बंदा चल रहा, मैं नहीं बढ़ा सकता, बोलना ना बढ़ानी पड़ेगी। 18 तारीख को मेरी देवाना गाड़ी पकड़ ली सुहास के कहने में आगे। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हम 40 साल से काम कर रहे हैं, आप मेरे खिलाफ़ या मेरे खिलाफ एक मुकदमा सिर्फ दिखा दो, मैं रास्ते की गाय का मीट पकड़ा गया हो या इस तरह का मीट पानी तो मत हो, मैं काम छोड़ दूंगा जी। तो मंथली को दे रहे थे तुम? फिर मंथली नुकसान करते हैं जी, गाड़ी पकड़ते हैं, चोट मारते हैं, गाड़ी तोड़ते हैं, गाड़ी पकड़ी, चोट ड्राइवर का चोट मार दी, 3 बार मेरे ड्राइवर की टांग तोड़ दी, पहले भी 3 बार मेरे ड्राइवर की टांग तोड़ रखी है उन्होंने, आज तक के वो चरपाए पड़े हैं जी। पर इसका देवा पंडित जी ने गाड़ी पकड़ी है ना, उसका भाई है परवीन, उनने भी लगभग 1.5 साल पहले मेरे ड्राइवर गाड़ी पकड़ी थी, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ जी वो, और उसकी टांग तोड़ दी 3 जगह से, वो भी अंदर रहेगा आज उसका भाई, फिर इनने मेरी गाड़ी पकड़ ली सुभाष के नाम आगे। मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ जी, मैंने सब सारे रिकॉर्ड दिए हैं बैंक के, जो उनका मैं पेटीएम करता हूँ, बैंक में देता हूँ, मैं क्या करूँ जी, मेरा नुकसान करते 2-3 लाख रुपये का मैंने जी दिए जी है जी है जी, जहाँ से मेरा मीट आता है ना किराने से, किराने कांदल रोड पर फैक्ट्री है सलाटर हाउस, जहाँ का मीट विदेश में जाता है वहाँ पर डॉक्टर आता है, सुबह के टाइम 4 डॉक्टर बैठते हैं, मीट वेरीफाई करके भेजते हैं, जो मेरा मीट आता है ना वो साथ में पर्ची लग करती है वो डॉक्टर की और फैक्ट्री की, वो डॉक्टर ये उसमें मोर मार के भेजते हैं, भैंस का मीट है से इन्हें रोका जावे, पूरा वेरीफाई करके भेजते हैं। मैंने इस्पी साहब का वो अपनी पर्चे दी और उनके मंथली का सबूत दिया, इस्पी साहब ने देखा, इस्पी साहब ने वेरीफाई करवाई, वहाँ पर फैक्ट्री में भी गई जहाँ से मेरा मीट आता है ना, वहाँ पर पुलिस वहाँ पर भी गई फैक्ट्री, वहाँ से वेरीफाई करके लाई, जो मैंने उनको जो दिया ना सबूत, वो सबूत देखे उन्होंने, वो सारे ओढ़ जल पाए जी। मैं तो एक ही बात कहता हूँ जी, हमारे खिलाफ आज तक किस तरह कोई मुकदमा है ना जी, मैं काम छोड़ दूँ, ये जान पूछ के हमें नाजायज परेशान करते हैं जी, और मुझे सुहास से सिकंदर से देवा से जी मुझे खतरा है, मुझे मेरे परिवार को ये लगा लो जी, मेरा आप मेरी दुकान में मेरे घर पर जाकर देखो, मेरा स्टेम निकलना ही मौत हो रहा है, अब भी मेरे घर पर चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, मैंने 2 दिन पहले है ना अपनी दुकानों पर, हर दुकान पर, गलियों में, अपने होटल पर, सारी जगह मैंने कैमरे लगवा दिए, मेरे दिल में इतना डर बैठा हुआ है लोगों की वजह से, मुझे मेरे परिवारों की कुछ भी होता है ना तो इसका जिम्मेदार जी सिकंदर सुहास और देवा होगा जी, विद्यालाम कॉलोनी में देवा का भाई परवीन। तो ये फिर पुलिस के पास पहले क्यों नहीं आप लोग गए जब इतनी तोड़फोड़ हो रही थी आपके पास? बस जी इसलिए नहीं गए, बस ये हमारा नुकसान करते हैं जी, कभी सरोली नक्के सरोली पकड़ ले गए, कभी छाछपुर पकड़ ले गए, कभी कहीं पकड़ ले, कभी कहीं पकड़ ले गए, और हमें देखा जी एसपी साहब आए हैं पानीपत के, ये हमने देखा जी और भी शहर में जगह जगह कार्रवाई हो रही है, बदमाशों के खिलाफ भी हो रही है, हमारी हिम्मत सी पड़ी है भाई, इतने ठोस अफसर आए हुए हैं पानीपत के अंदर, अब से पहले भी आपने देखा हो इस टाइम क्राइम तो पानीपत में ना की बराबर ही है जी, आप भी मानते हैं। कौन पकड़ा गया है, कौन फरार चल रहा है? सिकंदर पकड़ा गया है जी, सुहास फरार है और देवा फरार है, बाकी जो वो सुहास और देवा बताया गया जो अपने साथ वो लड़के ले गया था, 10-12 लड़के थे मौके पर गाड़ी पकड़ने के लिए, जिस टाइम पर मेरी गाड़ी पकड़ी गई देवा पंडित जो है ना जी विद्यानाम कॉलोनी का, उनने मेरे ड्राइवर से 4800 भी छीने, मेरे ड्राइवर ने कहा है जिस टाइम पर उन्होंने मेरे साथ हत्या पाई करी, उन्होंने मेरे 4800 रुपये छीने देवा ने, वो तो जी देवा बताएगा जी कौन कौन उसके साथ में थे जी। तो बिल्कुल महरोज है, 40 सालों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि सुभाष जिसे पुलिस ढूंढ रही है वो अपना काम रात को कर रहा है, और रात को गाय पकड़ने का काम जो है, गाय और जो रोड के ऊपर बेसहारा पशु उन्हें पकड़ने का काम कर रहा है, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि ये गौर रक्षक जो है शरारती तत्व कहाँ से आ रहे हैं और पुलिस इस पर शिकंजा कब कसेगी। हालांकि एसपी पानीपत ने इस बार शिकंजा कसा है और एक आरोपी को पकड़ा है, 7-8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है बाय नेम, और सुभाष जो है फरार बताया जा रहा है। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।